गर्मियों की सीजन यानी आम की सीजन और आम का नाम आते ही हमें सबसे पहले आम के अचार की याद आती है। आज हम कच्चे आम का यानी केरी का अचार बनाएंगे, लेकिन एकदम इंस्टेंट तरीके से, जिसे आप तुरंत बना के उसी दिन खा सके। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो कच्चे आम यानी कि केरी। आम को अच्छे से धो लें। आम को इस तरीके से स्लाइसेस में काट लें, छिलके नहीं उतारने हैं। अब इसके 2 इंच साइज के क्यूब्स काट लें। क्योंकि ये अचार हमें इंस्टेंट खाना है, तो सबसे पहले केरी को सॉफ्ट कर लेते हैं यानी इसको पका लेते हैं। इसके लिए आप एक बोल में पानी उबाल लें। पानी खोलते ही उसमें कटे हुए आम डालें। जब तक आम उबलते हैं, दूसरे साइड में आप एक बोल में पानी गरम कर लें और इसमें मेथी उबाल लें। 1 किलो आम में मैंने 35 से 50 ग्राम मेथी दाना लिया है यानी 1/4 कप लगभग। चम्मच से चलाते हुए मेथी को उबाल लें। इसमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। मेथी को 2 उंगलियों के बीच में दबा के देख लें, सॉफ्ट होनी चाहिए और अपनी साइज से 1.5 गुना ज़्यादा फूली हुई होनी चाहिए। आप चाहें तो एक दाना खा के देख लें, जब तक क्रंची ना लगे तब तक पकाएं। मेथी का पानी छान के साइड में रख लें। इधर दूसरी तरफ 5 से 10 मिनट में आम की गिरी भी सॉफ्ट हो गई है। आप स्किन चेक ना करें, सिर्फ पल्प सॉफ्ट होने लगे तब तक ही पकाएं। एक स्ट्रेनर में आम का सारा पानी छान लें। अचार को पकाने के लिए गैस ऑन कर लें और एक पैन में तेल ले लें। यहाँ पे मैंने लगभग 200 ml तेल लिया है। तेल गर्म होते ही मैंने इसमें 1 चम्मच काला जीरा यानी कि कलौंजी डाली है। कलौंजी चटकने पर इसमें उबली हुई मेथी दाना डालें। इसी के साथ 1/4 कप सौंफ डालें। दोनों को साथ में भून लें और मेथी का पानी सुखा लें। 6 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालें। लगभग 5 टीस्पून नमक डालें। 2 चम्मच हल्दी और 3 चम्मच धनिया पाउडर डालें। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट चला लें। अब इसमें आम डाल लें। हल्के हाथ से मिक्स कर लें। कट एंड फोल्ड मोशन में मिला लें। ऐसा करने से आम का पल्प छिलके से अलग नहीं होगा और अचार बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया हुआ लगेगा। इस स्टेज पे आप मिर्ची और नमक चख लें। कम लगे तो यहाँ पे आप और डाल सकते हैं। आम डालने के बाद आप 5 से 10 मिनट ही टोटल इसको पकाएं। ज़्यादा ना पकाएं और ना ज़्यादा चलाएं। अचार अब एकदम रेडी है। इसे आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें। रूम टेम्परेचर पे आने पे अचार को एक क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल में डाल लें। अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून विनेगर डाल सकते हैं यानी कि सिरका डाल सकते हैं। सिरका डालने से अचार लंबा चलेगा और जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। अचार को जार में डालने के बाद आप इसमें ऊपर से तेल और डालें। अचार को कम्प्लीटली तेल में डिप करके रखें। इससे अचार ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होगा, 3 से 4 महीने तक चल जाता है। तो इन गर्मियों में आप ये इंस्टेंट अचार की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग।